नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में, जिसमें कोई मुद्दा हम रखते हैं और मुद्दे के दोनों पहलुओं को टटोलने की कोशिश करते हैं। एक पहलू पर मैं अपने विचार रखूंगा और एक पहलू पर विचार रखेंगी मेरी सहयोगी आशीर्वाद त्यागी। बिल्कुल, आज हमारा जो मुद्दा है वो है भ्रामक एड्स का, जिनको देखकर लोग सोचते हैं कि वो 7 दिन में गोरा हो जाएंगे या 5 दिन में लगाते ही क्रीम आपका दर्द गायब हो जाएगा। टीवी पर आपने कई तरह के विज्ञापन देखे होंगे, जिनमें काले को गोरा करने वाली क्रीम परफ्यूम लगाने से लड़कियां पीछे दौड़ने लगती हैं। काटेगी क्या? वहीं शीतल पेय विज्ञापन तो कई कदम आगे निकल जाते हैं। शीतल पेय बनाने वाली कंपनियां इस तरह दावा करती हैं कि अगर उनके ब्रांड का शीतल पेय पियोगे तो डर के आगे जीत है और किसी भी तूफान को पार कर सकते हो। बालों के तेल के विज्ञापन में तो कंपनी इतना बड़ा दावा करती है कि अगर हमारी कंपनी का तेल लगाओगे तो पल भर में आपकी टेंशन दूर हो जाएगी। वर्कलोड बढ़ेगा तो टेंशन बढ़ेगा। तेल? तेल नहीं सर, टेंशन का रामबाण इलाज। खोपड़िया में लगाइए, टेंशन फ्री हो जाइए। लेकिन सवाल ये है कि इन विज्ञापनों में कितनी सच्चाई होती है, या फिर ये सच्चाई से कोसों दूर होते हैं, और विज्ञापनों को करने वाले ब्रांड एम्बेसडर की कितनी जिम्मेदारी होती है। ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि बॉलीवुड की दो मशहूर हस्तियां एक तेल कंपनी का विज्ञापन कर फंस गई हैं और अदालत ने उन पर कार्रवाई कर डाली है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की एक उपभोक्ता अदालत ने गोविंदा और जैकी श्रॉफ पर एक दर्द निवारक तेल का प्रचार करने के लिए 20,000 रुपए का जुर्माना ठोका है। इसके अलावा तेल बनाने वाली कंपनी पर भी जुर्माना लगाया गया। फर्म को आदेश दिया गया कि वो अन्य कानूनी खर्चों के साथ साथ 9% प्रतिवर्ष की ब्याज दर के साथ 3600 रुपए का भुगतान करें। एक युवक ने 5 साल पहले एक हर्बल ऑयल बनाने वाली कंपनी और इसके 2 सेलिब्रिटीज ब्रांड एम्बेसडर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिस पर फैसला अब आया है। दायर शिकायत में आरोप लगाया गया कि 15 दिनों में दर्द निवारण नहीं हुआ, जैसा कि इस विज्ञापन में दावा किया गया था। अब सवाल ये है कि क्या सेलिब्रिटीज इस तरह से विज्ञापन करने से पहले उत्पाद की पूरी जानकारी लेते हैं, या फिर मोटे पैसों के लिए कोई भी विज्ञापन कर देते हैं, क्योंकि इस तरह के कई मामले हैं जिनमें उपभोक्ता फंस जाते हैं और सेलिब्रिटीज उस ब्रांड से किनारा कर लेते हैं। उपभोक्ता बेचारा अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। रियल स्टेट कंपनी आम्रपाली ने क्रिकेटर और भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। धोनी के चेहरे पर लोगों ने आम्रपाली में फ्लैट खरीद लिए, लेकिन अब आलम यह है कि कंपनी के मालिक जेल में हैं और बायर फ्लैट का इंतजार कर रहे हैं, जो उन्हें अभी तक नहीं मिले हैं। तो साफ है कि कंपनी किसी बड़े सेलिब्रिटी को ब्रांड एम्बेसडर बनाकर बिजनेस करती है और ब्रांड एम्बेसडर भी मोटी रकम लेकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, यानी उपभोक्ता को छोड़कर सभी का फायदा हो जाता है। और कई बार तो भ्रामक विज्ञापन में फंसकर उपभोक्ता अपनी जीवन भर की कमाई लुटा बैठता है। उसका राज है। अब बीकेटी टायर कहाँ लेके जा रहा है? तरक्की की ओर, गजब का गोरापन। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV। दरअसल आज का मामला है बड़े दो स्टार गोविंदा, अपने जमाने के स्टार, और जैकी श्रॉफ। इनको कंज्यूमर कोर्ट ने दरअसल 20,000 रुपयों का जुर्माना लगाया। वजह क्या है? वजह एक एड थी, हर्बल ऑयल की एड थी, जिसकी एड दरअसल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जैकी श्रॉफ और गोविंदा ने की थी, जिसमें यह दावा किया गया था कि यह तेल लगाने से 15 दिनों में दर्द चला जाएगा। लेकिन एक शख्स का दर्द नहीं गया, वो कानूनी जानकार भी थे, उन्होंने अपनी अर्जी लगाई कंज्यूमर कोर्ट में। वहां से अब 5 साल बाद फैसला आया है कि 20,000 रुपयों का जुर्माना देना होगा गोविंदा को, जैकी श्रॉफ को, क्योंकि वो ब्रांड एम्बेसडर थे, उस प्रोडक्ट का वो पब्लिसिटी कर रहे थे। तो ये गलत है, ये बताया गया है। इसके अलावा कंपनी पर भी जुर्माना लगाया गया है। अब मैं आशिमा से जानना चाहूंगा, कंपनी पर जुर्माना लगाया गया, ब्रांड एम्बेसडर्स पर, या वो जो प्रोडक्ट का प्रचार कर रहे थे उन पर जुर्माना लगाया गया, आप इसे जायज क्यों समझती है? मैं ये समझता हूं कि मैं जायज समझती हूं, लेकिन ये कहीं ना कहीं सजा कम ही है, क्योंकि जिस तरह से ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी इस तरह से जो कई ऐसी एड्स हैं जिनको देखकर उपभोक्ता जो है वो रीझते हैं, आकर्षित होते हैं, और वो उस लिहाज से उस चीज को अप्लाई भी करते हैं। लेकिन कुलदीप, मैं यहाँ पर ये जायज इसलिए मानती हूँ क्योंकि सीधा सीधा ये जो सेलिब्रिटीज होते हैं लोगों के दिलों पर राज करते हैं,
उनकी तरह सुंदर दिखना, एक्टिव दिखना, फिट रहना, लोग हर किसी का सपना होता है और जिस तरह से वो एड्स करते हैं वो लुभा भी लेते हैं अपने इन बातों के जरिए और उन्हीं पर विश्वास कर वो उस प्रोडक्ट को नहीं देखते हैं, पहले वो उस चेहरे को देखते हैं जिस पर वो अपना विश्वास रखते हैं। आपको लगता नहीं ऐसे में जायज है आशिमा, इस तरीके के जो फैसले हैं, इस तरीके के जो फैसले, आप तो सजा की बात कर रही हैं, मैं तो फैसले पर ही सवाल थोड़ा खड़ा करना चाहता हूं। इस तरीके के फैसले जो है वो पेंडोरा बॉक्स को खोलते हैं, बहुत सारी समस्याएं इस फैसले से आ सकती हैं। क्यों? मसलन बहुत सी एड्स आपने देखी होंगी आशिमा, आपने देखा होगा घने मुलायम काले बाल, खिले खिले मतवाले बाल, डाबर, मैं नहीं कहूंगा जो भी कंपनी है, हालांकि मुंह से निकल गया, लेकिन क्या आपको लगता है श्रीदेवी ने हमेशा वही इस्तेमाल किया होगा? अब वो हमारे बीच नहीं है, खैर हटा देते हैं, मैं हटा देता हूं। वही चीज मैं कह रही हूं कि हम, मुझे नहीं लगता। और बहुत से जैसे मैगी की एड माधुरी दीक्षित ने भी की थी, उन्होंने भी साफ तौर पर ये कहना है उनका कि उन्होंने कभी खाई नहीं जिंदगी में, लेकिन वो कर रही है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कुलदीप, जो ये सेलिब्रिटीज होते हैं वो कहीं ना कहीं लोगों के दिलों पर राज करते हैं, उनका एक कब्जा होता है, उनको देखकर लोग लुभाते हैं और शायद यही वजह है कि जो तमाम ये तो तरीका है ना, ये तरीका मॉडर्न पब्लिसिटी का तरीका है, जा रहा है लोगों को ऐसे तो प्रोडक्ट को बेचा जाता है। और जैकी श्रॉफ के मामले में भी यही हुआ, अमेरिका की कंपनियां खाली अमेरिका में नहीं, अपने किसी जहां पर वो तैयार होता है, मैन्युफैक्चर होता है प्रोडक्ट, वहां पर ही ऐड नहीं करती, वो इंडिया वर्ल्ड वाइड वो ऐड करती है। ये तो तरीका है ना, आजकल इसी तरीके से तो चलता है, लेकिन ये तरीका गलत है ना, ये तरीका आशिमा कैसे गलत है? इस कट थ्रोट कॉम्पिटिशन में जहां के हजारों कंपनी को अपना अलग कुछ ना कुछ दिखाना होगा, जो यूएसपी है उनका, यूनिक सेल्स पिच जो है उसको चेंज करना होगा। खुद शाहरुख खान भी, कुछ सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जो साफ कर चुके हैं कि कहीं ना कहीं पहले किसी भी एड को करने से उनको जांच परख लेना चाहिए, कोई भी सेलिब्रिटी बिल्कुल बिल्कुल खुद मान रहे हैं, ये मोरालिटी है, गलत ठहरा सकते हैं आशिमा, ये मोरालिटी है, ये नैतिकता के आधार पर, बिल्कुल ये मोरालिटी है नैतिकता के आधार पर, किसी के इतने ज्यादा फॉलोअर्स हैं तो उसे सोच समझ कर चीजों को लेना चाहिए, लेकिन लीगल टर्म्स में किसी को दोषी ठहरा देना मैं इसे बिल्कुल भी ठीक नहीं मानता, बिल्कुल मानना पड़ेगा आशिमा, आपको ये मानना पड़ेगा। देखिए बहुत बार ऐसे केसेस आए हैं और ये लाना जरूरी था, बिल भी आया, निवारक तेल था, और आप किसी डॉक्टर के पास भी जाएंगी ना, ऑटोमेटिक डॉक्टर के पास जाती है, कोई बुजुर्ग महिला जाती है, मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, आपको डॉक्टर क्या कहता है? 7 दिनों में दर्द आशिमा, आशिमा आपको ठीक है, उन्होंने कहा कि 15 दिन में दर्द गायब, डॉक्टर क्या कहता है? डॉक्टर ये कहता है माता जी आपके घुटनों का ऑपरेशन हो जाएगा, आप चलेंगे नहीं, आप दौड़ेंगी, ऐसा अक्सर कहा जाता है, बिल्कुल यही नहीं है। आप तेल की एड की बात कर रही हैं, ये तेल की एड है, तेल की एड एक सरकारी एड भी है जी, सरकारी एड है, भारत पेट्रोलियम की एड है, सरकारी एड, इतनी बड़ी कंपनी जिसका इतना बड़ा बेस है, करोड़ों अरबों रुपए की उसकी टर्नओवर है, वो क्या कहती है आप, वो क्या कहती है? देखिए आशिमा वो क्या कहती है, आशिमा हमारा जो आज पहनना ओढ़ना कहीं ना कहीं उसी तरफ जा रहा है, वो बड़ी सरकारी कंपनी, वो बड़ी सरकारी कंपनी की एड ये कहती है आप स्पीड डलवाइए, आप स्पीड डलवाइए, आप चलेंगे नहीं, आप दौड़, आप उड़ेंगी। आपने कभी अपनी गाड़ी में स्पीड पेट्रोल डलवाया उसके बाद आपको एहसास हुआ आप उड़ गई हैं? नहीं, बिल्कुल मैं वही कह रही हूँ। हाँ। लेकिन जो सेलिब्रिटीज हैं उनको नहीं समझना चाहिए, देखिए गोविंदा ने अपने उन फॉलोअर्स को, अपने जाने वालों के साथ नैतिकता की बात हो सकती है, मोरालिटी की बात हो सकती है, गोविंदा ने कभी नहीं प्रोडक्ट का ऐड करने से पहले कहा कि माशाल्लाह मेरी तो 20 फिल्में हिट हुई हैं इसलिए मेरे प्रोडक्ट को लीजिए, ऐसा तो नहीं कहा। जैकी श्रॉफ ने नहीं कहा कि मैं खलनायक में नायक बना था इसलिए मुझे मेरे प्रोडक्ट को लीजिए, ऐसा तो नहीं था, ऐसा तो नहीं कहा। लेकिन जिस विश्वास के साथ वो बोलते हैं, चीजें करते हैं, क्या उनका एक दायित्व नहीं बनता अपने चाहने वालों के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने उनको उस ओहदे पर पहुंचाया है, उन्हीं को गुमराह कर रहे हैं, उन्हीं को धोखा कर रहे हैं? आशिमा यहां पर मेरा सवाल है आपसे, विश्वास के साथ तो फडणवीस साहब भी कह रहे हैं हमारे पास 170 से ज्यादा विधायक है, देखिए अगर वो फ्लोर टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो क्या जनता के साथ धोखा है? वो नैतिकता के आधार पर गलत हो सकते हैं, लेकिन लीगैलिटी पर गलत है, चाहे वो सियासी हो, सेलिब्रिटीज हो, वही मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन मैं यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वच्छ भारत अभियान के बिल आया, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बिल जो आया 2019 के तहत, इसमें कहीं ना कहीं सेलिब्रिटीज को राहत दी गई। पहले बिल में कहीं ना कहीं ये बिल काफी टफ था और सीधे तौर पर सेलिब्रिटीज को टारगेट किया जा रहा था, जैसे कि आप कह रहे हैं कि गलत नहीं है, वो उनको काम है वो कर रहे हैं, लेकिन अब जिस तरह से उनको देखते हुए ये बिल 2019 में अगस्त में जो लाया गया उसमें राहत जरूर दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार इस तरह के केस, और इस केस में 5 साल का वक्त लग गया। आपको पता है कि इसमें ये कहा गया है कि जल्द से जल्द ऐसे मामलों का निपटारा होना चाहिए, 5 साल में आप जाके बहुत से पहलुओं को आपको समझना होगा। देखिए हर कोई दावा करता है
बहुत बड़ा बैंक है, सरकारी उपक्रम है, भरोसे का प्रतीक, उसमें 11-12-15 हजार करोड़ रुपए का घोटाला हो जाता है। ऐसी बातें करते क्यों है कि सारा दिन पूरा हो जाएगा, ये कहना है बाम लगाएंगे तो एक मिनट पे चुटकियों में दर्द गायब हो जाएगा। वही मेरा कहना है, बहुत सी चीजें चलती रहती हैं, कोई सन्यासी है, आयुर्वेदा है, सारा दिन वो टीवी चैनल्स पर चल रहे हैं। अगर हम बातों को कह दें, हम कह दें कि पाकिस्तान खून के आंसू रो रहा है, तो वो क्या खून के आंसू रो रहा है? हमें ये समझ लेना चाहिए वो खून के आंसू रो रहा है। पाकिस्तान जो पाकिस्तान पूरी तरह बर्बाद नेस्तनाबूद हो गया है, तो क्या पाकिस्तान में कोई शख्स नहीं बचा है? अगर हम पाकिस्तान जाए तो वहां कोई दिखेगा नहीं हमें? आप और हम तो देखिए, ये हर चीज मार्केटिंग का अपना अपना स्टाइल होता है, और इस मार्केटिंग के धंधे में हम नहीं, सब कोई शामिल है, और बहुत बड़ी तादाद इसमें शामिल है। और ऐसा नहीं है कि कंज्यूमर कोर्ट से जो ये फैसला आया है, बार बार ही आया है। आपको लगता है कि सेलिब्रिटीज कोई क्यों करती हैं? चलिए फिर इनको ही हायर क्यों करती हैं? इसीलिए तो करती हैं कि लोग इनके लुभावने लालच में आएंगे। आशिमा, ये भी तो हो सकता है ना, मानिए आपका प्रोडक्ट मैंने लिया और आपका दावा भी मैंने कबूल कर लिया कि हाँ 15 दिन में मेरा दर्द चला जाएगा, लेकिन नहीं गया, एक शख्स का नहीं गया, हो सकता है 10 का गया हो। नहीं, ऐसा तो नहीं है ना, लेकिन अभी वो चीजें तो सामने नहीं आई। 10 का गया हो, ऐसा हो सकता है? देखिए, मैंने अपनी कोई कंपनी, लेकिन अभी तो ये सामने आया ना मामला, कुलदीप आप इस मामले को लीजिए ना जो सामने आया है, ऐसे कोई मामले आए कि हाँ 15 दिन में खत्म हो गया। मैं कहता हूँ कि बहुत ज्यादा हाइपोक्रेसी अगर हो रही है, उस पर लगाम कसने के लिए कुछ ना कुछ हमारे पास प्रावधान होने चाहिए। बिल्कुल, आपको क्या लगता है क्यों एम्बेसडर, जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं या जो प्रोडक्ट की एड कर रहे हैं, उन्हीं पर ही क्यों गाज गिरे? क्यों क्यों इससे पहले आपको लगता नहीं है? कंपनियों के लिए भी है, कंपनियों के लिए भी है, लेकिन ये कह रही हूं कुलदीप, जो स्टार्स करते हैं, बड़े-बड़े स्टार्स भी, अभी शिल्पा शेट्टी का ले लीजिए, शिवराज सिंह चौहान ने भी उनकी तारीफ की थी, उनके पास भी एक करोड़ों का एड आया था जिसे उन्होंने ठुकरा दिया था, और वो महज इसलिए ठुकरा दिया था कि कहीं ना कहीं लोगों का इसमें हित जुड़ा हुआ था, लोगों को गलत मैसेज ना जाए। एक फिटनेस का कोई एड उनके पास आया था जिसे उन्होंने ठुकरा दिया था। तो क्या ये बाकी जो स्टार्स गुमराह करते हैं अपने चेहरे के नाम पर, अपने नाम के दम पर, तो ऐसे में ये गलत तरीका नहीं है? आशिमा, कभी किसी ने ये नहीं कहा, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि मैं शाहरुख खान हूं और मेरी क्रेडिबिलिटी आसमान पर है। शाहरुख खान ने तो खुद माना है कि सेलिब्रिटी ऐड करने से पहले ये देख मोरालिटी के तौर पर, हाँ आप ये कह सकते हैं कि स्टार जो है, बड़े स्टार जो है, उनके फॉलोअर्स बहुत होते हैं, उन्हें पैसे की दौड़ में हमेशा नहीं रहना चाहिए, इस बात से मैं इत्तेफाक रख सकता हूँ। अब आप देखिए, आप कह रहे होंगे आम्रपाली ग्रुप, आप बहुत से लोग कह रहे हैं कि धोनी साहब ने उनकी ऐड की और उनके चक्कर में बहुत से लोगों ने आम्रपाली ग्रुप, लेकिन उस वक्त आम्रपाली ग्रुप की जो फाइनेंशियल हेल्थ थी ठीक हुआ करती थी, क्वालिटी प्रोडक्ट उसका हुआ करता था, उस दौरान ऐसी बातें। अगर बाद में कंपनी कोई फ्रॉड कर जाए और उसमें ऐसा कुछ हो जाए तो फिर उसका जिम्मेदार धोनी को ठहराता, हालांकि धोनी के तो उसमें खुद के पैसे फंस गए। कुलदीप, आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? खुद के पैसे ठहराते हैं, लोगों को जिम्मेदार ठहराते हैं? लोगों को ठहराने की नहीं, नहीं, देखिए ये मार्केटिंग का दौर है, इसमें बढ़ चढ़ कर मार्केटिंग की जाती है। आपको सेल्फ असेसमेंट करनी है, आपको रिसर्च करना है। आप देखिए, ऐसा हो सकता है आशिमा, जिस तेल से उस शख्स को दर्द हो, आप कह रहे हैं कि सेलिब्रिटी आशिमा, जिस तेल से उस शख्स का दर्द नहीं गया, मान लीजिए मैंने वो प्रोडक्ट बनाया, मैंने अपनी पूरी रिसर्च की है, मेरे पास पूरा विश्वास है कि मेरा प्रोडक्ट जो है बेहतरीन है, और उसका दर्द नहीं गया, तो आपको लगता नहीं? बार बार तो कोर्ट में ये केस नहीं जा रहे, अभी हमने ये केस सुना, हो सकता है और भी कुछ केस हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उस शख्स ने, उस शख्स ने अपने दर्द का निवारण भी कर लिया हो और वो पैसे भी चाहता हो, क्योंकि दावा किया था कंपनी ने। यहाँ कंपनी जरूर गलत है, ये मैं मानूंगा कि कंपनी ने यह दावा किया कि अगर आपका दर्द नहीं जाता है 15 दिन के अंदर आप अपना पैसा वापस ले सकते हैं, लेकिन उस शख्स ने जिसने इस्तेमाल किया, उसकी क्या गारंटी है कि उसका दर्द चला नहीं गया? उसने कंपनी से भी जो है संपर्क किया, जब कंपनी से संपर्क किया पैसे तो वापस मिले ही नहीं, लेकिन यहाँ पर यह भी जो है उनको परेशान किया जाने लगा, उनको धमकी जो है देनी जाने लगी, ये आप सही मानते हैं? नहीं, इसे मैं सही नहीं मानता, वही मैं कह रहा हूँ कि प्रावधान कुछ ऐसे होने चाहिए। लेकिन अगर मैं आपको लेके दे दूं किसी के बारे में गाली, तो आप उसी को पढ़ देंगे एज इट इज गाली? नहीं, बिल्कुल कहेंगे ना कि भाई क्या वजह है इसके पीछे? तो वही मैं कह रही हूँ कि ये सेलिब्रिटीज क्यों नहीं ध्यान रखते हैं? यही मैं आपको बता रहा था कि सेलिब्रिटीज जितनी भी एड्स करती हैं, आप वो तो सरकारी एड्स भी करती हैं, मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया कि आपकी गाड़ी का स्पीड का फ्यूल डाल के गाड़ी स्पीड का फ्यूल डाल के उड़ जाती है। बिल्कुल, मैं यही मना ही नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ लोगों की सोच ऐसी होती है कि भाई सेलिब्रिटीज कर रहे हैं, हमारे चहेते हैं, क्योंकि सलमान खान को कोई बहुत कोई हेयर कट ले लेते हैं तो उसे देखकर हेयर कट करवाने लगते हैं, तो ऐसे ही इन प्रोडक्ट्स में भी होता है। लेकिन लोगों की इच्छाओं को समझते हुए, लोगों की कद्र करते हुए, क्या इन वजहों को आप समझने जो बात की जरूरत नहीं है? मोरालिटी की बात कर रही है, नैतिकता की बात तो कर रही है। बिल्कुल, अपना एक जो उनका बड़ा स्टेटस और है, कानून उसका है।
कानून है, जो कानून यहाँ पर लाया गया है वो बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है स्टेटस है, उसको मेंटेन करते हुए उन्हें मोरालिटी के साथ, नैतिकता के साथ और लॉजिकली अपने कस्टमर्स को बताना चाहिए कि इसकी खासियत क्या है, लेकिन उन्हें लीगल टर्म्स पर आप बलि चढ़ा दें ये बिल्कुल गलत है, ये सरासर गलत है। लेकिन कुछ सोच समझ के ही तो नहीं लिया गया होगा ना ये फैसला, कानून बनाया होगा ना। स्टार्स जो है वो तो फिर अगर लीगल दायरे में आ जाएंगे तो फिर तो मार्केटिंग, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं मार्केटिंग कंपनियां, वो तो धरी की धरी रह जाएंगी। हजारों लाखों लोगों की दरअसल इसमें तादाद है जो काम करती है, जिनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो हमारी सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए कि ऐसे प्रावधान बना दिए जाएं जिस पर कुछ ना कुछ ऐसा हो, लेकिन लीगल टर्म्स में किसी को पेनल्टी देना या दोषी ठहराना या सजा दे देना ये बिल्कुल गलत है। आज के दौर में ये बिल्कुल गलत है, ये टेक्नोलॉजी का दौर है, ये मार्केटिंग का दौर है। लेकिन एक लंबे टर्म तक आप सिर्फ एक ही एड को करते हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं अपने चेहरे के नाम पर, वो तो गलत है और उसे मानना पड़ेगा आपको कुलदीप। और ये कानून गलत नहीं बनाया गया, सुबह शाम आप सुबह शाम अपने टेलीविजन पर कमर्शियल देखती हैं, आप सुबह शाम अपने टेलीविजन पर कमर्शियल देखती हैं, और ना सिर्फ मैं देखता हूँ, सरकार के नुमाइंदे भी देखते हैं, हमारे कोर्ट के जितने भी नुमाइंदे वो भी देखते हैं, सब देखते हैं एड्स। अगर कहीं किसी पेजवेल की एड आ रही है और उसमें लिखा है कि डर के आगे जीत है, तो कोई हिमालय से कूद तो नहीं जाता ना, आप स्प्राइट पी के कहीं कूदे आज तक? नहीं, मैं वही कह रही हूँ कि हर चीज पर ध्यान नहीं देते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन जैसे कि स्किन प्रोडक्ट होता है या परफ्यूम होता है, जैसे परफ्यूम लगा लिया आसमान से लड़कियां या ऑपोजिट सेक्स से जो है वो उतरने लगते हैं, क्या वाकई इसमें सच्चाई है? क्या आपको लगता है कि इसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है? तो आप प्रोडक्ट मेरे को बताइए किस आधार पर बेच रही हैं? जब सच्चाई ही नहीं है तो आप उसको क्यों बेच रहे हैं? कहना चाह रहा हूँ आज सच्चाई के साथ बेचिए, समझिए आशिमा, आज मार्केटिंग का दौर है और मार्केटिंग में इसी तरीके से, अदरवाइज टेलीविजन देखिए यार, में आप लोगों की सेहत के साथ आप टेलीविजन क्यों देखती हैं? आप टेलीविजन क्यों देखती हैं? आप अखबार पढ़ लीजिए, वही खबर लिखी हुई है, एंटरटेनमेंट के तौर पर ज्यादा लुक्रेटिव होता है, ज्यादा एक्सपेक्टिव होता है, ये तमाम चीजों के लिए बिल्कुल हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूँ और यही समझाना चाह रहा हूँ कि लीगल टर्म्स में अब गोविंदा है वो कोई ऐड कर रहे हैं। 20,000 का जुर्माना आपको लगता है कि बहुत ज्यादा हो गया इन लोगों के लिए जो करोड़ों रुपए खर्च खा जाते हैं और ठगी के नाम पर, ठगी में ऐसे बोलूंगी एक तरह से, जो सेलिब्रिटी करते हैं कि दावा ठोकते हैं लेकिन उसके बाद क्या होता है कि अब जैसे कि ये सामने आया जैकी श्रॉफ और गोविंदा वाला मामला, इसमें से 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया, लेकिन ज्यादा का 10,00,000 रुपए तक का जुर्माना है क्यों नहीं दिया गया? क्यों ऐसे कानून के मुताबिक इन पर क्यों नहीं करा जा रहा है? आप कह रहे हैं कि कानून तो बना दिया गया, लेकिन आपको कि कोई प्रोडक्ट अगर खरीदता है, मैंने तो अपने प्रोडक्ट में दावा कर दिया कि मेरा प्रोडक्ट बेहतरीन है, छोटे से छोटा सीमेंट भी दावा कर देता है कि सस्ता नहीं सबसे बेहतर, तो क्या कभी भूकंप आता है तो वो मकान नहीं गिरते हैं? ये ऐसे ही ये तरीका है एड का, ये इस नए जमाने की फिलॉसफी है कि इसी तरीके से अटैक्ट किया जाता है। मुझे भी, मैं किसी को और अटैक्ट करूंगा तो मेरी भी स्ट्रेटेजी वैसी होगी, ये सारी चीजें ऐसी होंगी। मैंने अगर कोई प्रोडक्ट बनाया, मुझे उस पर, मैंने उस पर रिसर्च की है, मैंने उस पर पैसा खर्च किया है, मेरा विश्वास ये कहता है कि इससे आपका दर्द जाएगा, आपका दर्द नहीं जाता है तो उसके लिए मैं कल्प्रिट तो नहीं हो जाता ना, अब मैं सजा का प्रावधान हो जाए उसके लिए? आप इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आप उस एड को कर रहे हैं, उसमें दावा ठोक रहे हैं, दावा नहीं ठोकना चाहिए, या तो फिर कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन देनी जानी चाहिए कि हम ये दावा गलत, ये मैं कह रहा हूं कि सरकार को अगर एक कानून के बना रहे है, आप इसे सतर्क रहें और इसमें ये एक अलकथनीय है, इस तरह की तमाम चीजें हम करते हैं जब मूवी में कुछ ऐसी चीजें होती हैं, तो एड्स में भी ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं दिखता एड्स के दौरान और दावा ठोका जाता है, तो ये दावा गलत है। आधा पक्ष मैं कहूंगा मेरा भी सही है और आशी में आधा पक्ष आपका भी सही है। अब इसमें बीच का रास्ता निकालकर सरकार को जो कानून बनाना चाहिए उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए और सीधे तौर पर किसी ब्रांड एम्बेसडर को किसी कंपनी को कटघरे में खड़ा कर देना, बहुत से लोग उनसे जुड़े होते हैं, फैन फॉलोइंग भी होती है और कंपनीज में कितने लोग काम करते हैं वो भी होता है। और लोगों को हमें दावों को देख परख कर कि इस तरह के भ्रामक जो को चाहिए कि वो ग्राहकों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करे, बिल्कुल ग्राहक को भी चाहिए, लेकिन सेलिब्रिटीज भी इस चीज को समझें कि जो लोग उन्हें चाहते हैं, जो लोग उनको समझते हैं, उम्मीदें जो उन पर विश्वास जताते हैं, उनके विश्वास के साथ सेलिब्रिटीज भी इस पर खिलवाड़ ना करें और खुद सेलिब्रिटीज भी इसको मान चुके हैं। जिस तरीके से आपने समझाया दर्शकों को और जो मैंने अपनी राय देने की कोशिश की, मुझे लगता है कि बहुत कुछ समझ आया होगा दर्शकों को और आगे से वो आइंदा थोड़ी हिदायत बरते और सोच समझ कर चीजों का आकलन करते हुए चीजों को ले, क्योंकि बाद में किसी फिर शिकायत की गुंजाइश ना रह जाए। बिल्कुल, तो इसके साथ तर्क वितर्क में बस इतना ही और आगे भी जारी खबरों का सिलसिला आप R9 टीवी को देखते रहे। नमस्कार। जिसके कॉलर के नीचे डॉलर होता है उससे पंगे नहीं लेते। फाउंडेशन सोचना भी मत, किस्मत विकेट जगाता है। आप हमारे लकी कस्टमर है और आपको मिलती है एक कोका कोला फ्री। मर्दों की सख्त त्वचा के लिए पिंक फेयरनेस क्रीम,
नहीं बनी। खेल मेरा है मुस्की 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 मुस्की।